आखिरी बार कबड्डी का विश्व कप कब हुआ था, अभी कौन कौन से बदलाव किए जाने चाहिए आपके सुझाव में फूड सेक्टर में, आपकी थाना क्षेत्र में आप महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करेंगे? अगर आप किसी क्षेत्र में ऐसी कोई घटना हो जाती है और उस वक्त आप थाना अधिकारी हैं और आपने उन्हें अरेस्ट कर लिया है और भीड़ ने घेर लिया है आप लोगों को चारों तरफ से, तो ऐसी स्थिति में आप जनता को कैसे समझाएंगे कि कानूनी प्रक्रिया का पालन के द्वारा इन्हें आगे कोर्ट तक पहुंचाया जाए? कैसे आप उनको समझाएंगे भीड़ को? को नहीं लगता है कि आदिवासी क्षेत्र में या टीएसपी वाले क्षेत्र में अभी भी अंधविश्वास बहुत ज्यादा है? देवेंदर जी सर, आप अपना परिचय दीजिए। सर मैं मूल रूप से राजस्थान के डूंगरपुर जिले से हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से हुई है, 10वीं तक राजकीय माध्यमिक विद्यालय वसुंधरा छोटी से। उसके बाद मैंने 12वीं की पढ़ाई अपने ब्लॉक आसपुर से की है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपुर से। इसके बाद मैंने अपनी कॉलेज वाणिज्य संकाय से की है, जो कि गुरुकुल कॉलेज डूंगरपुर से की है। इसके बाद मैंने एमकॉम भी की है प्राइवेट, वो भी मैंने डूंगरपुर से ही की है। और 2018 से मैं सांख्यिकी विभाग में कार्यरत हूँ। आपने ग्रेजुएशन है उसमें कितने परसेंटेज थे? मेरे 53.40 सर। ग्रेजुएशन में 40 थे और पीजी में एमकॉम में 60.40। अच्छा ठीक है। आप डूंगरपुर से हैं? जी सर। और आपका गांव? वसुंधरा छोटी सर। वसुंधरा छोटी जी सर। वसुंधरा छोटी की कोई ऐसी विशेषता है? जी सर, ये हमारा गांव पूरी चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव है और वहां पर प्राचीन काल का एक माँ वसुंधरा का एक मंदिर स्थापित है जो चर्म रोग के लिए इलाज के लिए काफी प्रसिद्ध है, वहाँ काफी लोग आते हैं इसके लिए। आपकी हॉबी है कबड्डी खेलना? जी सर। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 सर, कुल 12 होते हैं, 7 खेलते हैं और तथा 5 रिजर्व होते हैं। उसकी माप कितनी है ग्राउंड की, कबड्डी के ग्राउंड की? पुरुषों के लिए 13x10 तथा महिलाओं के लिए 12x8। आखिरी बार कबड्डी का विश्व कप कब हुआ था? सर जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ वर्ष 2016 में। कौन जीता था? भारत। भारत जीता था जी। सबसे ज्यादा रेड किसने मारी थी खिलाड़ी ने? माफी चाहूंगा सर इसके बारे में मुझे विस्तृत जानकारी। आप कबड्डी खेलते हैं? जी सर। मैं कौन सा रोल प्ले करते हैं आप कबड्डी में? मैं डिफेंडर सर। डिफेंडर, डिफेंडर की क्या उपयोगिता है? सर वो क्षेत्र रक्षण में अपने पाले में जो भी विरोधी टीम का खिलाड़ी आता है उसको पकड़कर अपनी टीम के लिए पॉइंट अर्जित करता है। क्या कबड्डी में सिर्फ एक फिजिकली ही इन्वॉल्व होता है व्यक्ति या फिर मेंटली भी होता है? नहीं सर, कबड्डी में शारीरिक तथा मानसिक एकाग्रता दोनों की आवश्यकता होती है, टीम मैनेजमेंट टीम के साथ पूरा तालमेल बैठा के ये कार्य करना पड़ता है। भारत में को कबड्डी का भविष्य है क्या, जबकि सबसे ज्यादा गेम तो लोकप्रिय भारत में क्रिकेट है देखा जाए तो, कबड्डी तो इतना ज्यादा पसंद नहीं करते लोग। जी सर आपकी बात सही है, पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के रूप में देखा जाए तो कबड्डी काफी एक अच्छा गेम मानता हूँ मैं, क्योंकि पौराणिक काल से भी इसको खेलते रहे हैं लोग तथा भारत में कबड्डी धीरे धीरे अपनी गति पकड़ रहा है, जैसे प्रो कबड्डी लीग और इनसे इसका थोड़ा लोगों में काफी और बड़ा है विश्वास। ठीक, आपने एमकॉम किया है? जी सर। इकोनॉमिक सेक्टर में अभी कौन कौन से बदलाव किए जाने चाहिए आपके सुझाव में फूड सेक्टर में? जी फूड सेक्टर में सर जहां तक मैं मानता हूँ किसानों को इसके लिए और प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह जेनरिक कृषि की ओर बढ़े तथा जेनरिक उत्पादन को बढ़ावा दे। जेनरिक उत्पादन क्या है? इसमें सर जो रसायन का उपयोग न्यूनतम कर दिया जाता है तथा जो देसी खाद और उससे उपयोग है जिससे शरीर को न्यूनतम नुकसान होता है उनका उपयोग किया जाता है। जैविक उत्पादन क्या है? जैविक उत्पादन सर जैसे मैं अगर बता पाऊं तो जिसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक उर्वरकों का कृषि में उपयोग नहीं किया जाता है। और जेनरिक उत्पादन में? माफी चाहूंगा सर इसमें मैं श्योर नहीं हूं। अच्छा ठीक है। देवेंद्र आप डूंगरपुर से आते हैं? जी सर। डूंगरपुर में मुझे कोई 3 मंदिरों के नाम बताइए। सर बेणेश्वर मंदिर है, देव सोमनाथ मंदिर है
इसके अलावा विजय राजेश्वर माता का मंदिर है। विजय राजेश्वर माता का मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, क्या खास है उसमें? उसे सर महारावल साहब ने बनवाया था, आसकरण जी की गैप सागर की पाल के पास स्थित है, इसलिए प्रसिद्ध है। अच्छा, डूंगरपुर में कोई झील भी है? जी, कौन सी? गैप सागर झील स्थित है। किसने निर्माण करवाया था इसका? अभी ठीक, मुझे ये बताइए कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं डूंगरपुर से, उस डिस्ट्रिक्ट में अभी क्या क्या समस्याएं झेल रहा है वो जिला? सर अपराध की दृष्टि से बताऊं या सामाजिक? कौन सी समस्याएं आपके जिले की? समस्या सर पानी की समस्या पहले थी, जिसके वो काफी हद तक अभी इसका निस्तारण किया जा रहा है, क्योंकि जो हर घर जल योजना के तहत हर घर जल की जो पाइपलाइनें बिछाई जा रही है और पानी पहुंचाया जा रहा है, मुख्य समस्या तो यही थी जिसका निस्तारण कर दिया गया। और सर एक पानी हमारे फ्लोराइड की समस्या बहुत ज्यादा है, और आपराधिक दृष्टि से देखें तो यहाँ अवैध खनन के मामले बहुत ज्यादा है। कौन कौन से खनिज मिलते हैं डूंगरपुर में? सर फ्लोर्स पर और ये मिलते हैं, पर रेत का खनन, अवैध खनन बहुत ज्यादा होता है, बालू का। अच्छा, बालू का। तो आपने बताया कि पानी की समस्या है, लेकिन डूंगरपुर में तो नदियां बहुत सी हैं, बात की जाए तो। जी, फिर भी पानी की समस्या? शुद्ध पानी की सर समस्या बहुत ज्यादा, क्योंकि फ्लोराइड का मात्रा बहुत थोड़ी ज्यादा है वहाँ पे, तो नदी में पानी शुद्ध और पहाड़ी इलाका होने के कारण वहाँ पर पानी का जो स्तर है वो भी नीचे है, और लोगों को घर पर पानी उपलब्ध होने में दिक्कत होती है। डूंगरपुर में जो नदियां हैं कौन कौन सी नदियां हैं? डूंगरपुर में सर सोम, माही और जाखम। केवल डूंगरपुर से ही निकलती हैं, उन नदियों के बारे में बताइए। डूंगरपुर से तो सर अभी जाऊंगा सर, मुझे याद नहीं। अच्छा ठीक है सर। पुलिस महकमे में इनकाउंटर जो कई बार सुनने में आते हैं, जैसे रेप के जो आरोपी हैं पुलिस द्वारा इनकाउंटर कर दिया गया, तो क्या आप जन दबाव के कारण कभी कभार ऐसी घटनाएं घटती है, तो क्या आप इनको सही मानते हैं? नहीं सर, ये किसी भी तरह से इनको सही ठहराना उचित नहीं है, क्योंकि न्याय प्रक्रिया भारत में बनी हुई है तथा किसी को सजा देने का पूर्ण अधिकार न्यायालय को दिया हुआ है, तो लो जन दबाव में किसी का एनकाउंटर करना किसी भी तौर पर ही उचित नहीं। अगर आप किसी क्षेत्र में ऐसी कोई घटना हो जाती है और उस वक्त आप थाना अधिकारी हैं और आपने उन्हें अरेस्ट कर लिया है और भीड़ ने घेर लिया है आप लोगों को चारों तरफ से, तो ऐसी स्थिति में आप जनता को कैसे समझाएंगे कि आप द्वारा इनकी हत्या करना कानूनी प्रक्रिया का पालन के द्वारा इन्हें आगे कोर्ट तक पहुंचाया जाए, कैसे आप उनको समझाएंगे भीड़ को? सर मेरा मानना है कि प्रत्येक भीड़ में कोई मुख्य चेहरे जरूर होते हैं जो उस भीड़ को नियंत्रित करते हैं। मैं सर्वप्रथम ये देखूंगा कि उस भीड़ को नियंत्रित करने वाले चेहरे कौन है, तथा मैं अगर उस थाना क्षेत्र में हूँ तो मेरे कुछ लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता या लोग हैं उनसे भी लाइजनिंग अच्छी होगी, मैं ये मानता हूँ। तो मैं उन लोगों से ये समझाने के उनको प्रयत्न करूंगा कि यह किसी भी तरह से एक वैध उपाय नहीं है किसी को सार्वजनिक तौर पर टॉर्चर करना या उसको हत्या करने का प्रयास करना। आप कानून प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें, अगर ये दोषी है तो मैं इनको आपको न्याय देने के लिए अपना संपूर्ण सर्वोच्च प्रदान करूंगा, अपना 100% दूंगा। आप आपके व्यक्तित्व के दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव पक्ष बताइए। सर मैं समय प्रबंधन अच्छा है मेरा, मैं ये मानता हूँ, तथा मुझ में करुणा का भाव है, तो मैं पुलिस विभाग में लोगों की जो समस्या मेरे पास लेके आएंगे उनके मैं उनको समझकर उनके लिए जो भी कर सकूँ वो करने का प्रयत्न करूंगा। तथा मुझ में सर कमियां तो जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, मैं जल्दी किसी को ना नहीं कह पाता हूँ किसी भी चीज के लिए, तो ये एक मैं खुद में कमी मानता हूँ, और तो सर मैं कोई और रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, आप जल्द किसी को ना नहीं कह पाते हैं, तो आप संबंधित क्षेत्र में थानाधिकारी है, कोई व्यक्ति आपको रिश्वत देने की कोशिश करेगा किसी मामले को दबाने के लिए, तो फिर उस स्थिति में क्या करेंगे आप? नहीं सर, उस समय मेरे कर्तव्यों के बीच में मैं इस मामले में बिल्कुल वो नहीं हूँ, मतलब मैं मेरी निजी तौर पर अगर मुझे कोई कार्य करने के लिए बोलता है तो मैं ना नहीं कह पाता, बाकी अगर थाना क्षेत्र में या कोई अवैध कार्य मुझे करने को बोलता तो मैं उसमें किसी भी प्रकार का नहीं मानता हूँ कि मैं उसको छूट दूंगा या ऐसा कोई कार्य कृत करूंगा। या आपके थाना क्षेत्र में अगर आपका निजी संबंधी
बिना रिश्वत के ही केवल इमोशनल होकर आप पे दबाव डालता है तो फिर नहीं सर, वो मेरा कर्तव्य मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। मैं अपनी इस कमी को जान पाया हूँ और मैं इस पे धीरे धीरे अपना कार्य कर रहा हूँ कि मैं लोगों को जो अनुचित कार्य करने के लिए मुझे कहें मैं उन्हें सीधा ही ना कह दूं। आपके डूंगरपुर जिले में कितनी तहसीलें हैं? हाँ सर, 12 तहसीलें। नाम बताइए। साबला, आसपुर, डूंगरपुर, बिछीवाड़ा, पाल देवल, चिकली, गलियागोट, सिमलवाड़ा और ओबरी। चलो ठीक है। कोई आपके थाना क्षेत्र में आप महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करेंगे? सर, जिस प्रकार राज्य सरकार भी कार्य कर रही है, महिला थाना क्षेत्र थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कर रही है, इसके अतिरिक्त भी मैं स्कूलों में अपने जो बीट अधिकारी हैं या जो महिला कार्मिक है उनको नियमित स्कूलों में भेजकर एवं लड़कियों या छात्राओं से संवाद कर उनके जो अधिकार हैं या उनके विरुद्ध जो कोई भी अगर ऐसा अपराध होता है तो उसकी शिकायत या देने की थाने में आया था, उनकी हेजिटेशन जिससे दूर हो जाए। और मैं ये भी प्रयत्न करूंगा कि स्कूल के बच्चों को महीने में एक बार थाने की विजिट करवाई जाए जिससे उनको जो थाने में आने का उनका जो भय बना रहता है एक, वो भी धीरे धीरे उनका दूर हो जाए, वो अपनी किसी भी शिकायत को कहने में किसी प्रकार का डर न रहेंगे। अच्छा, अभी वर्तमान में राजस्थान पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु किए गए कोई दो नवाचार बताइए आप। सर, एक तो सर सुरक्षा सखी कार्यक्रम चल रहा है जिसपे ग्राम पंचायत तथा आंगनबाड़ियों की जो एम्प्लॉय है या जो गांव के लोग हैं उनको पुलिस से जोड़कर उनका डर दूर करने के लिए काफी प्रयत्न कराया जा रहा है और उनको जैसे कि जैसे वो थाना क्षेत्र में आने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट फील ना करे। और दूसरा तो सर मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ ऐसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं जिससे महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी प्राप्त हो और महिला थानों में महिला पुलिस कर्मियों की पोस्टिंग ज्यादा से ज्यादा की जाने की प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक सर, डूंगरपुर क्षेत्र से हैं आप हैं? जी। डूंगरपुर राजस्थान का टीएसपी क्षेत्र है। जी सर, ये टीएसपी और नॉन टीएसपी में क्या अंतर है, क्या चीजें होती है? सर, टीएसपी से आशय है ये जनजाति उपयोजना क्षेत्र। टीएसपी सर इसलिए दिया गया है कि वहाँ की अधिकांश जनजाति अनुसूचित जाति या जनजाति है जो बहुत आर्थिक सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें अतिरिक्त लाभ या देने के लिए ये योजना लाएगी। आपको नहीं लगता है केवल जनजाति के क्षेत्रों को अतिरिक्त लाभ देने के लिए बाकी लोगों को फायदा भी हो रहा है, एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है उन्हें, क्योंकि फायदा केवल जनजाति क्षेत्र को जनजातियों को दिया जाना चाहिए और वहां के रहने वाले लोगों को फायदा हो? आपको नहीं लगता है कि असमानता का भाव पैदा करता है? जी सर, जरूर आपकी बात सही है, परंतु सर उस क्षेत्र में विकास की अभी भी काफी संभावना है और वो लोग काफी पिछड़े हुए। हम किसी को जाति के आधार पर ये नहीं कह सकते हैं कि वो ज्यादा पिछड़ा है, अगर उस क्षेत्र में वो लोग रह रहे हैं तो उस क्षेत्र विशेष को ये लाभ दिए गए हैं। क्या क्या विकास की संभावनाएं हैं टीएसपी क्षेत्र में? सर, वहाँ जो एजुकेशन है वो काफी पीछे था, जो इस 10 सालों में काफी मैं मानता हूँ कि अच्छा हुआ है। इससे पहले लोगों में वहाँ जैसे राजकीय कार्यालयों में भी कोई लोग नहीं होते थे जिनके किसी योजना की जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती थी, उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता था। आपको नहीं लगता है कि आजादी के इतने साल बाद भी हम ये क्षेत्रीय विकास की असमानता को खत्म नहीं कर पाए तो फिर कब तक खत्म होगी ये चीज? सर, ये योजना मेरा निजी मानना है कि योजना शायद इसीलिए चलाई गई है कि इन क्षेत्र को जल्द से जल्द समाज की मुख्य धारा। कितना जल्द होना चाहिए? 10 साल 20 साल 70 साल तो हो गए, कितना आपके हिसाब से जल्द की परिभाषा क्या है? सर, इस मेरे हिसाब से तो कहा जाए तो सर जब ये लगे कि शिक्षा का स्तर काफी बढ़ गया है। जो मेरा कहने का तात्पर्य प्रश्न ये है कि क्यों नहीं बढ़ पाया है अब तक भी, जब हम लगातार इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं बावजूद? इसका मुख्य कारण ये प्रश्न ये है, इसका मुख्य कारण ये है कि जागरूकता की कमी लोगों में तथा उन तक जो समाज जो सरकार की योजनाएं और लाभ है वो उन तक कभी पहुंच नहीं पाए जो पहुंचने चाहिए थे। अच्छा, डूंगरपुर क्षेत्र है, डूंगरपुर में गोविंद गुरु जो एक है, एक गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, वो कहाँ पर है? वो सर बांसवाड़ा में। वो बांसवाड़ा में ही है ना, तो इन गोविंद गुरु के बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे क्या है ये, क्या इतिहास रहा इनका? सर, इन्होंने संत सभा की स्थापना की थी, इनका जन्म
डूंगरपुर के बासिया ग्राम में हुआ था, तो आदिवासियों में जनचेतना जागृत करने के लिए इन्होंने तथा अंधविश्वासों और इन सबको दूर करने के लिए उन्होंने भगत आंदोलन चलाया तथा संप्रभा की स्थापना की थी। अच्छा, इन जो अपने अनुसूची ये होते हैं टीएसपी क्षेत्र वगैरह, एक राजस्थान भारत की कौन सी अनुसूची में इनका उल्लेख है? सर अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में है, और फिर 5 में क्या है? माफी चाहूंगा सर, मैं इस बारे में क्लियर नहीं। अच्छा, क्लियर नहीं है इस बारे में। आपका जो है हॉबी है कबड्डी खेलना है जी। कबड्डी और या बाकी अन्य खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ग्रामीण ओलंपिक योजना चलाई गई जी, है ना? तो उस ओलंपिक योजना में पहले तो मुझे आप ये बताइए कि खेल कौन कौन से थे? सर उसमें कितने खेल थे, कौन कौन से थे, है ना? और दूसरा ये बताइएगा इसका क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव रहा? सर इसमें खेल तो जैसे क्रिकेट था, कबड्डी था, इसके बाद क्रिकेट कौन सा क्रिकेट था? क्रिकेट में सर इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर नियम बनाए गए, टेनिस बॉल क्रिकेट था इसमें जी। हाँ, टेनिस बॉल क्रिकेट था। ओके, हाँ। इसके बाद कबड्डी था, इसके बाद दो बाद कैसे कि पहले क्रिकेट खेलेंगे उसके बाद कबड्डी खेलेंगे ऐसे नहीं? तो माफी चाहूंगा, पूरे खेल में अभी याद नहीं कर पा रहा, पूरे खेल याद नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसके सकारात्मक दो प्रभाव और दो नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव तो ये अक्सर इस खेलों में लोगों के प्रति काफी रुझान बढ़ा है, क्योंकि ग्राम पंचायत हर गांव स्तर की टीमें बनाई गई और उनमें काफी एक हो गया ये। हाँ, नेक्स्ट बताइए नंबर दो। नंबर सकारात्मक नंबर दो इसमें जो छोटे बच्चे हैं पेरेंट्स ने ये भी देखा कि खेलों में भी लोग करियर बना सकते हैं, खेल क्षेत्र के प्रति रुचि बढ़ी है। ठीक है, और दो नकारात्मक प्रभाव क्या रहे इसके? सर नकारात्मक प्रभाव तो मैं मानता नहीं हूँ, पर लोगों का कहना है कि इसका ये राजनीतिकरण करने के लिए भी शायद हुआ होगा, पर ऐसा कोई नकारात्मक कारण मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, आपने 3 मंदिर बताए हैं डूंगरपुर के, क्या 3 मस्जिद भी बता सकते हैं डूंगरपुर में स्थित कोई 3 मस्जिद? हाँ जी, गलियागुट में सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है, बोहरा समाज। हाँ, बोहरा समाज की। ठीक है, दूसरी सर आसपुर में मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब 3 मंदिर बड़ी फेमस मस्जिद सर वही है। कौन सी? ये फखरुद्दीन, सैयद फखरुद्दीन। अच्छा जी, तो यार डूंगरपुर में आप मंदिर तो 3 बता सकते हैं, केवल मस्जिद एक ही है या आप बता नहीं पा रहे? नहीं सर है तो, पर जो फेमस जैसे मैंने मंदिर में, जैसे मंदिर भी बहुत है, पर इनमें से जो मैंने फेमस आपको 3 बताए ये, उस हिसाब से मस्जिद फेमस यही है। वसुंधरा माता का मंदिर आपने बताया था, वहां आपने बताया था कि चर्म रोग समस्या का समाधान होता है, तो क्या आप ये मानते हैं कि मंदिरों में जाने से और इन जानों से रोग वगैरह समाप्त होते हैं? ये सर नहीं कहा जाता, पर ये आस्था का प्रतीक है जो सालों से चला आ रहा है, और लोग अगर मानते हैं तो इसमें हमें। आपको नहीं लगता है कि आदिवासी क्षेत्र में या टीएसपी वाले क्षेत्र में अभी भी अंधविश्वास बहुत ज्यादा है? जी सर, ये अभी भी एक मुख्य कारण है, पर शिक्षा ही इसे दूर कर सकती है और ये धीरे धीरे सर दूर हो रहा है। ठीक है, मुझे आप एक लास्ट प्रश्न ये बता दीजिए कि आपने बताया कि कबड्डी का पौराणिक काल में भी उल्लेख है, तो पौराणिक काल में कौन से कबड्डी का उल्लेख है, कहाँ उल्लेख है? सर अभिमन्यु ने महाभारत काल में जिस प्रकार चक्रव्यूह को तोड़ा था, और प्राचीन काल में योद्धाओं को बनाने के लिए उनके शारीरिक मानसिक विकास के लिए कबड्डी का उल्लेख कहाँ पर है? कबड्डी तो उल्लेख नहीं, मतलब अभी जाऊंगा। ठीक है सर, अभी भारत में आखिरी स्टेट कौन सा बना है? तेलंगाना। अच्छा, क्या तेलंगाना से ही बात रुक गई है या फिर आपको लगता है कि कोई और स्टेट और बना जाना चाहिए? आपकी नजर में अगर और अगला कोई स्टेट बनता है तो कौन सा बनाया जाना चाहिए? सर ऐसा मैं अभी तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर अगर कोई स्टेट बनाना चाहिए तो उसे इस आधार पर बनाना चाहिए कि वहाँ विकास की संभावनाएं कितनी ज्यादा है। अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें आजादी के इतने साल बाद भी जो विकास के पहुंच नहीं पाया है और वहां के लोग अभी भी समाज की मुख्य धारा में नहीं आ रहे, तो उन लोगों को लेकर एक स्टेट बना ताकि उनको जो योजनाएं हैं सरकार की या जो मुख्य उद्देश्य है विकास का, उनको धीरे धीरे डेवलप किया जाए, पिछड़े इलाकों को लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि स्टेट बनाए जाने से पिछड़े जो लोग हैं उनका विकास होगा? अगर ऐसा होता तो भारत को लगभग 75 ईयर से ज्यादा ही हो गए आजाद हुए, फिर भी आजकल कुछ स्टेट ऐसे हैं जो इतना विकास नहीं कर पाए अपने आप में, अभी भी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि वो तो पहले से स्टेट है, ऐसा क्यों? ऐसा सर मैं मानता हूँ मॉनिटरिंग की कमी, जहाँ तक मानता हूँ, क्योंकि यही एक मुख्य कारण हो सकता है। ठीक है, अभी कुछ चीजें चर्चा में ज्यादा रहती हैं, जैसे एक तो है लिव इन रिलेशनशिप और एक है मैरिटल अफेयर, दोनों एक ही चीज है अलग अलग है, क्या अंतर है इनमें, और एक है तो कैसे?
सर लिव इन रिलेशनशिप जैसे कोई शादीशुदा जोड़ा नहीं है, मेरे हिसाब से वो शादी से पूर्व साथ में रहकर एक दूसरे को समझने के लिए जो रहते हैं वह लिव इन रिलेशनशिप है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे कोई शादीशुदा व्यक्ति है, मैरिटल अफेयर जो शादीशुदा व्यक्ति है वह शादी के बाद भी किसी अन्य स्त्री या कोई स्त्री है तो अन्य पुरुष से अपने संबंध स्थापित कर रही है। क्या आपके राय में दोनों सही है? सर जो भारत जैसे समाज में इनको एक्सेप्ट करना थोड़ा कठिन है, पर अगर उनके निजता के अधिकारों को देखें तो ये सही है, उन्हें अपनी डिसीजन लेने का अधिकार है। सर क्या समाज ऊपर है संविधान से? नहीं सर, समाज बिल्कुल भी ऊपर नहीं है, संविधान में जो लिखा है भाई। लेकिन आप तो ये बता रहे हैं कि समाज के हिसाब से चीजें सही नहीं है, संविधान कुछ भी कहे चाहिए, लेकिन सर ये मेरा निजी मत नहीं है। मैं आपने खुद नहीं बोला ये चीज अभी, माफी चाहूंगा। अच्छा ठीक है, आप पिछली नौकरी का पुलिस प्रशासन में किस प्रकार उपयोग करेंगे? क्या कुछ फायदा मिलेगा पुलिस प्रशासन में? जी सर जरूर मिलेगा। सांख्यिकी में हम आंकड़ों का संग्रह कर तथा आगामी नीति निर्धारण करने में काफी सहायक होते हैं। इसी प्रकार में पुलिस विभाग अगर मेरा किसी थाना क्षेत्र में होता है पदस्थापन तो उस थाना क्षेत्र में जिस भी प्रकार के क्राइम ज्यादा होते हैं मैं उनको एनालाइज करके उनके रोकथाम के लिए जो भी प्रयत्न है वो करने का प्रयत्न। बजट क्या है? बजट एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार द्वारा जो आय एवं व्यय है उसका लेखा जोखा है कि वो अपना जो आय होगी उनका व्यय कहाँ करेगी और किन किन रिसोर्सेज से उसको आय प्राप्त होगी। अगर आपको मौका मिलता है बजट में किसी सेक्टर को ज्यादा वरीयता देने के लिए तो आप किस सेक्टर को ज्यादा वरीयता देंगे बजट में? सर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर को देना चाहूंगा क्योंकि भारत में एक बड़ी आबादी कृषि से जुड़ी हुई है और अगर हम इस तबके को कृषि में कितना परसेंट बजट का दिया जाता है एग्रीकल्चर में? माफी चाहूंगा सर मैं इस बारे में भी श्योर नहीं। अच्छा ठीक ओके, आपका इंटरव्यू समाप्त हो चुका, आप जाएंगे सर। बैठिए। तो देवेंद्र जी कैसा रहा अनुभव? उतना अच्छा नहीं गया जैसे मैं चाहता था। खैर वो तो परफेक्ट स्थिति तो कभी भी नहीं आती अपनी नजरों में, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। बाकी अच्छा रहा आपका इंटरव्यू। पहले सकारात्मक पक्ष बता देता हूँ मैं आपको, चेहरे पे हमेशा आप स्माइल रख रहे हैं और आई कांटेक्ट बहुत अच्छा है और कॉन्फिडेंस से जवाब भी दे रहे हैं, जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ सॉरी भी बोल रहे हैं। लेकिन कुछ एक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लिव इन रिलेशनशिप, तो जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं उसमें फिर आप घुसे नहीं ज्यादा, है ना? तो जहाँ क्लियर हो वहीं बोले आप, ठीक है? और तीन मंदिर और तीन मस्जिद वाली वो आपने ढंग से संभाल ली वो बात की भी, जो फेमस है मंदिर भी बहुत है लेकिन जो फेमस है वो मुझे याद है, ठीक है वो आपने अच्छा ढंग से टैकल कर लिया, वरना वो किसी और तरफ भी जा सकता था। तैयार लेकिन कर लेना मस्जिद जी, हाँ वो तैयार कर लेना जी। और कबड्डी का वो आपने महाभारत वाला क्या उल्लेख किया था, जो ऐसे तुक्के नहीं मारे पर वो मैंने कहीं पीकी वीडियो में थोड़ा पढ़ा था। हाँ, या तो फिर उसको अगर ऐसी कोई बात है जी तो उसको फिर क्लियर करके बोले जी, आधी नॉलेज ठीक है आप, वो फिर आपके लिए हानिकारक होगा। बाकी बढ़िया है, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सर। और बाकी सर आपको कुछ ग्रामीण ओलंपिक जरूर तैयार करके जाए सर, थोड़ा मुझे याद था पर मेरा हाँ हो जाता है वो, कोई बात नहीं। बाकी ठीक है, थोड़ा कबड्डी के बारे में और देख लें जी थोड़ा सा। और दूसरी बात की अगर जैसे कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जैसे कि मेटल में, तो पहले समाज को नहीं लाना है, इसमें एक सीधा सा आंसर ही हो सकता था कि वो अपना निजी विचार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों साथ में है तो चीज ठीक है। इसमें एक मैरिटल अफेयर में एक चीज आई थी धारा 498 अभी वो हटा चुके हैं सर जी, उनको देख लीजिए वो क्यों हटाई गई है, कैसे हटाई है, वो सारी चीजें देखो आप ठीक। ये पहले उससे वो पहले अगर ऐसा होता था तो कानून अपराध था जी, मैरिटल अफेयर है अब शायद नहीं है ठीक, उसको आप देख लीजिए बाकी का ठीक। अच्छा दे रहे हैं कब है सर? मेरा अभी डेट आई नहीं ठीक है। अच्छा दे रहे हैं अब ठीक है ओके। मूछ लेफ्ट साइड की और शर्ट आप सही करके जाए ठीक है, सर वो मिरर में को कहीं मिला नहीं चीज कर रहा है जो हाथ में कलाव मान रखा है जी, या तो इनको छुपा लीजिए इसको पीछे ठीक है, ये हटा के जाएंगे बेटर है ठीक है सर ठीक है ओके। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सर।